Welcome back to the channel, everyone. Good morning from Leh. This is our day 3. और आज हम लोग जा रहे हैं पैंगोंग लेक, जो कि है 7 to 8 आवर्स का जर्नी. अभी हम लोग जस्ट निकले, सुबह से मैं वीडियो नहीं निकाल पाया क्योंकि हम लोग का बहुत सारा घाई गड़बड़ चल रहा था कि सारा पैकिंग और सब लोग रेडी हो रहा था, बाइक में पेट्रोल डालना था, एक्स्ट्रा कैरी करना था, तो उस सब चीज़ों में हम लोग का रह गया. तो अभी हम लोग निकले हैं, ऑलमोस्ट कल जैसा ही रास्ता है. जो शेयर पैलेस पे जो हम लोग गए थे वो उधर तक तो सेम है, उसके बाद हम लोग को सीधा सीधा जाने का. तो 35 किलोमीटर स्ट्रेट, उसके बाद हम लोग राइट या लेफ्ट है कुछ तो देखना पड़ेगा. तो हम लोग के साथ एक बस है और 4 बाइक है, टोटल हम लोग 13 लोग हैं. चलो चलते हैं अभी. अभी हम लोग करू उतरे, थोड़ा सा चाय वगैरह ब्रेक लेंगे और इसके बाद सीधा पैंगोंग जाने जाएंगे. बीच में अगर रुकने को लगा कि थोड़ा थका हुआ लग रहा है या फिर कुछ भी, तो थोड़ा टाइम ब्रेक ले लेंगे, अदरवाइज कुछ हॉल्ट नहीं लेने वाले. के बाद वो प्रॉपर वाला रास्ता चालू हो जाएगा, आउटस्कर्ट वाला. तो हम लोग निकले, अभी सब लोग रिलैक्स मोड में है. टुक अ स्मॉल लू ब्रेक. अभी हम लोग कुछ 60 किलोमीटर्स आए हैं और रास्ता देखो, यहाँ पे आपको बहुत सावधानी से गाड़ी चलाना पड़ता है बिकॉज ये वन वे है. वन वे मतलब एक ही गाड़ी जा सकता है, उतना ही रास्ता है. तो जब भी गाड़ी पासिंग को आ जाए दूसरा गाड़ी, तो वो टाइम पे आप ज़्यादा कॉर्नर पे मत चले जाना, थोड़ा सा अंदर की तरफ ही रहना. तो उसकी वजह से वो भी चला जाएगा और आपको डेंजर भी नहीं रहेगा कि आपका बाइक स्लिप हो जाए नीचे. तो टेक केयर ऑफ दैट. या बाकी आहिस्ते आहिस्ते चलाओ, ज़्यादा रिस्क मत ले लो और थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद पानी पीते रहो, बिकॉज अभी जैसा ही हम लोग इंक्लिनेशन लेते जाएंगे वैसा वैसा ऑक्सीजन लेवल कम होते जाएगा, तो अपने बॉडी का भी ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है और आपका सर पकड़ने लगेगा. तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, तो पानी में से जो ऑक्सीजन मिल सकता है, क्योंकि हवा में से तो ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं मिल रहेगा आपको. तो या चलो अभी 5 मिनट ब्रेक लेके आगे का जर्नी स्टार्ट करते हैं. अभी हम लोग जिंगरल पहुँचे, ये विलेज का नाम, और दिस इज़ एट हाइट ऑफ 15,500 feet. और वो जो पहाड़ है उसके पीछे चांगला है. इट्स 1 in the afternoon. आइडियली वी शुड बी देयर बाय दिस टाइम, बट ठीक है, बहुत लोग हम लोग के बुलेट का कोई सबको मतलब आदत नहीं है, तो रुक रुक के आराम आराम से जा रहे हैं, कुछ घाई नहीं है. थोड़ा लेट हो जाएगा चलेगा, लेकिन सेफ पहुंचना ज़रूरी है. बाय द वे, सेफ्टी इज़ मस्ट. ये हम लोग के पास था नहीं, तो हम लोग ने लेह से 100 rupees पर हेड पर पर्सन पर डे लिया है, तो 3 दिन के लिए इट कॉस्ट 300 rupees पर हेड. चलो नेक्स्ट मिलते हैं चांगला में. What's up? अभी हम लोग 85 किलोमीटर के बाद चांगला पहुँचे और ये यहाँ पे कैफेटेरिया है एंड वहाँ पे टेम्पल. चलते हैं वहाँ पे. अभी हम लोग जस्ट हमारे बाइक्स को रिफ्यूल कर रहे हैं. थोड़ा सा सांस लेने में परेशानी हो रही है बिकॉज बाइक चलाते वक्त हम लोग पानी ज़्यादा नहीं पी रहे थे, तो अभी रुके हैं तो थोड़ा पी लेते हैं, तो विल फील फ्रेश नाउ. चलो, ठंडी भी है बहुत ज़्यादा. और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये पीछे वाला पहाड़ है वो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था. अभी तो कुछ भी नहीं है, इस साल बर्फ बिल्कुल भी नहीं है. Thank you.
से का चेक पोस्ट पे पहुँचे, यहाँ पे हम लोग को वो हम लोग का दिखाना पड़ेगा परमिट, और बाकी लोग के लिए वेट कर रहे हैं, तब तक के लिए हम लोग मैगी खाते हैं। चलो चलो, डन विद द मैगी सेशन। अभी यहाँ से आगे 35 किलोमीटर्स पे पैंगोंग लेके, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 hours लगना चाहिए, क्योंकि बीच में रास्ता थोड़ा ख़राब है। तो या देखते हैं, होपफुली हम लोग पहुँच जाएंगे जल्दी। चलो लेक में पहुंच गए अभी। पूरा पानी, पूरा का पूरा ब्लू दिख रहा है। क्या ब्यूटीफुल व्यू है यार यहाँ से। चलो आगे चलते देखते। हम लोग ने यहीं पे बाइक पार्क की है, और यहाँ पे जाके, यहाँ पे उन्होंने वो 3 idiots का बहुत सारा सेट खड़ा किया है। यहाँ से फिर थोड़ा टाइम हम लोग आगे जाएंगे, वहाँ पे वो जो 3 idiots का लास्ट वाला पार्ट है ना, क्लाइमेक्स वाला, यस वो वहाँ पे। चलो यहाँ पे जाके आते। ये देखो यहाँ पैनोरमा व्यू ऑफ पैंगोंग लेक, पता कैसे लग रहा है। बहुत मस्त हुआ है उसका एक्सप्रेशन। वहाँ से थोड़ा ही आगे थोड़ा ऑफ ट्रैक आता है, बाकी सारा जो मेन रोड जाता है वो वहाँ पे हम लोग के कैंप की तरफ जाता है। उससे पहले ही एक लेफ्ट टर्न आता है जो कि पूरा ऑफ रोड है, और वो आपको ये 3 idiots का स्पॉट पे लेके आएगा। यहाँ पे नॉर्मली लोगों को नहीं समझ में आता है, वो डायरेक्टली वो कैंप्स की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पहले यहाँ पे गाड़ी आता था, वहाँ तक जाता था गाड़ी, अभी इन्होंने शायद यहाँ पे वो खड्डा वगैरह बना दिया, तो उधर से गाड़ी पास नहीं हो पाएगा याक फोटोशूट के लिए। ये रहा 3 idiots का क्लाइमेक्स सीन वाला पॉइंट, सी शेप वाला। यहीं पे वो आमिर खान अपने बच्चों को पढ़ाता रहता है, और यहाँ से करीना कपूर आके उसको मिलती है। सुपर्ब यार, क्या व्यू है यहाँ से। ये जो लेक है, ये इसका 1/3 पोर्शन ही इंडिया के पास है, बाकी का 2/3 पोर्शन चाइना के पास। वहाँ पे है चाइना समवेयर देयर। तो वी आर वेरी लकी कि अपने पास ऐसा खूबसूरत चीज़ है। यस, एंड दैट इज़ ऑल्सो ऑन द हाइट ऑफ 17,000 feet। कभी भी आओ यहाँ पे ना, डोंट मिस दिस प्लेस, आई एम टेलिंग यू, डू नॉट मिस दिस प्लेस। थोड़ा फोटोशूट वगैरह करेंगे, टाइम पास करेंगे। हम लोग के पास और 1 घंटा है, तो हम लोग मतलब तब तक तो सनलाइट है, उसके बाद हम लोग जाएंगे हम लोग कैंप में और खाना खा के सो जाएंगे। यहाँ पे रात में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाता है, और यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ है, और पूरा का पूरा एरिया जो है वो पानी के ऊपर से वो जो हवा आता है उसकी वजह से वो और ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी लगता है। तो चलो अभी हम लोग करते हैं टाइम पास, तुम लोग जाओ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, घूमते रहो घुमाते रहो, एंड हैव फन इन योर लाइफ गाइस। सी या।